बर्थडे के बाद दिखाऊंगा अपना डांस। चीयर्स, हैप्पी बर्थडे टू दादाजी, मनन के दादाजी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल वन्ना पालिया ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी है सुबह सुबह, और सुबह के टाइम पे बच्चों को स्कूल भेजना होता है सबसे पहले, जो कि मैं भेज चुकी हूँ। और आज है हमारे बाबूजी का बर्थडे, तो आज उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं अब, और फिर उनके लिए कुछ आज स्पेशल तो होना ही चाहिए। आज उनका बर्थडे है, तो जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो हम बच्चों के लिए बहुत स्पेशल करते हैं, तो अब हमारे घर में बड़ों का बर्थडे है तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल करना तो बनता ही है। तो ऐसा क्या स्पेशल करें उनके लिए वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आज उनके लिए, उनके बर्थडे पे उनका फेवरेट खाना बनाया जाए। तो आज मैंने सुबह ही उनका फेवरेट नाश्ता बना दिया है। उनके फेवरेट नाश्ते में है करेले की सब्ज़ी, दही और रोटी। तो ये है आज बाबूजी का बर्थडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो ये है बाबूजी की बर्थडे स्पेशल ब्रेकफास्ट थाली। तो अब देते हैं बाबूजी को ब्रेकफास्ट, और साथ में जाके मैं करती हूँ विश। सुबह से मैंने अभी तक विश नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी थी, और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा फ्री होकर अच्छे से थोड़ा विश करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट भी देते हैं और उसके साथ विश भी करते हैं। तो ये है हमारे बाबूजी, और आज है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डैडी जी। तो डैडी मुझे भी विश कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको भी। और बाबूजी को बर्थडे विश करते ही बाहर कोई आ गया था, मुझे आवाज़ लगा रहा था, तो वो थे सब्जी बेचने वाले, और मैंने उनसे लिया ये साग। असम में इसको बोलते हैं लाल साग, हमारे यहाँ इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो इसे चौलाई बोलते हैं। और ये है एक और कुछ अलग वैरायटी का साग, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसे क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने बोला ये पेट के लिए अच्छा होता है, तो मैंने ले लिया। अब देखते हैं इसे बनाते हैं कभी और खाते हैं, फिर पता चलेगा ये कैसा साग है और इसका टेस्ट कैसा है और ये कितना बेनिफिशियल होता है हमें, मेरे पेट के लिए स्पेशली। तो आज हो रही है बाहर बारिश, और ये देखिए मेरे किचन से बाहर का व्यू, यहाँ से मेरा किचन गार्डन दिखाई देता है, और यहीं पर बैक साइड में मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। तो वो तार बंधी हुई हैं और क्लिप टंगे हुए हैं, तो आज तो मैं कपड़े नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि आज बारिश है तो कपड़े सूखेंगे नहीं। तो आज मैंने आपको किचन से बाहर का व्यू दिखाया अपने घर की बैक साइड का, और ये कद्दू के बेल बहुत अच्छे हो गए, इसमें फूल भी आ गए हैं, और मे भी अभी इसमें कद्दू भी लगेंगे। वैसे मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा देखा था, बट अब वो गायब हो गया, पता नहीं वो ख़राब हो गया या बच्चों ने तोड़ दिया या फिर क्या हुआ, उसे मैं चेक करूँगी जाके। तो ये रहा आज का बाहर का व्यू बारिश वाला। और अब मेरे किचन का व्यू देखोगे तो आप डर जाओगे, दिखा दूँ। तो ये है मेरा आज का किचन का व्यू, ये देखो, वाओ कितना अच्छा है। तो अब इस व्यू को मैं समेटने की कोशिश करती हूँ, और कल मैंने उन्हें लंच पे बुलाया था तो मैंने ये डिनर सेट निकाला था, तो अब मैं इसको पैक करती हूँ और फिर करती हूँ पूरे घर की सफाई। सबसे पहले करूँगी किचन की, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी साफ़ करने के बाद कि साफ़ करने के बाद किचन कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो रही है डिनर सेट की पैकिंग, और चलो अब मैं इसे करती हूँ पैक। तो अभी किचन साफ़ हो चुका है, पहले देख रहे थे आप कितना गंदा था, और अभी ये सफाई करने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। ये है हमारे बाबूजी का बर्थडे केक। ये मनन और उसके दादाजी बैठे हुए हैं, सेवन की तो जली नहीं लाइट, सेवन पहले जल चुका है। और ये देखो सारांश कैसे नजरें लगाए बैठा है, कब ये केक कट होगा और कब मैं इस पे अटैक करूंगा, है ना सारांश? टूट गया।
ओ बस चलो करो अब केक कट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो हैप्पी बर्थडे दादाजी हैप्पी बर्थडे आपके दादाजी थोड़ा ना आपके तो पापा है तुम भी काट दो डैडी केक और ये देखो असली पापा बेटे छोटा सा दे दे ये हो गया बर्थडे केक कट निकाल दे तो ये है हमारी आज की पार्टी का केक सामान केक आइसक्रीम गुलाब जामुन एंड कोका कोला एंड केक और ये देखो सारांश के चेहरे की खुशी अलग है कब से बोल रहा है केक कट करना है गिलास ले आना था ना जब चाय होने लग गया पीना ये देखो सारांश मैं चूज करूं ना 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 कुछ समझ नहीं आ रहा है सारांश को ये छोटे वाला है ना कुछ चलो अब ये 71 हटा दो आज हमारे दादाजी हो गए मनन सारांश के हमारे मेरे नहीं मतलब मनन शांशु के दादा एक साल के दोबारा कितने साल के हो मनन दादाजी आप बोल दादा एक साल के पर बुड्ढे अच्छा एक साल के हैं सेवन लगाना भूल गया आगे सेवन वो है 71 साल के बर्थडे के बाद दिखाऊंगा अपना डांस ठीक है ओके कौन से गाने पे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी चीयर्स 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 शांशु चीयर्स हैप्पी बर्थडे टू दादाजी मनन के दादाजी सारांश तेरे भी और हमारे डैडी जी तो यहाँ पे चल रही है बर्थडे पार्टी कौन सी आ गई